हाय एवरीवन, वी वेलकम यू टू आवर चैनल पिनाकल आईआईटी। टर्की में अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई है, और ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ के लोग बहुत परेशानियाँ और बहुत ही तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। इतनी सारी बिल्डिंग्स संपूर्ण रूप से कोलैप्स हो गई हैं। लोग कह रहे हैं इन बिल्डिंग्स को कोई सुपरवाइज नहीं करता था, जिसकी वजह से ये हुआ। तो ये है वो बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई थी टर्की में फरवरी 6 को। बहुत घंटों के शॉक्स और अर्थक्वेक्स के कारण सबसे पहले सबसे नीचे वाला फ्लोर कोलैप्स हुआ था, जिसे हम पैनकेक कोलैप्स भी बोलते हैं, जिसमें एक फ्लोर दूसरे फ्लोर से क्रैश होकर पूरे बिल्डिंग्स को कोलैप्स कर देता है। इसी प्रकार से अर्थक्वेक के आसपास की जगह जैसे नॉर्दर्न सीरिया और साउदर्न टर्की के भी बिल्डिंग्स बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हुए। जब देखा गया तो ये अर्थक्वेक 7.8 मैग्नीट्यूड का था। हालांकि पैनकेक कोलैप्स के कारण ये अर्थक्वेक रीजन का सबसे बड़ा और सबसे वर्स्ट ट्रेजेडीज में देखा गया है। अगर देखा जाए तो ये रीजन पहले भी ऐसे पावरफुल अर्थक्वेक्स देख चुका है, और प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस है अर्थ के, जो चार अलग अलग प्लेट से मिलती हैं। और जब इन दो फॉल्ट लाइंस के बीच में टेंशन प्रोड्यूस होती है, तब हमें इतने वायलेंट अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। Even a very well designed and well executed building would have suffered. This doesn't rule out that the building was free of defects. इस लेटेस्ट अर्थक्वेक ट्रेजेडी के कारण 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक टर्की में आया, जो सबसे पहला और सबसे पावरफुल माना गया है। और इसके बाद आफ्टरनून में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला। टर्की के इस अर्थक्वेक ने अनगिनत जाने ली और पूरे के पूरे विलेजेस और टाउन्स डिस्ट्रॉय हो गए। अभी तक 7,000 से लेकर 15,000 बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी हैं और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और बहुत बिल्डिंग्स आने वाले वीक्स में अपने आप गिर जाएंगी फ्रीक्वेंट आफ्टरशॉक्स के कारण। क्या आपको पता है वो क्या चीज़ है जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी? वो है कि ये अर्थक्वेक प्रिडिक्टेबल थे। मतलब कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट अगर थोड़े और प्रिकॉशंस लेती और पहले ही पता कर लेती, तो हजारों जाने बच सकती थी। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए और इन फ्यूचर सेफर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।